जो विषय दिया गया है तो उसके अनुसार हम देखें कि सबसे पहले स्त्रीत्व क्या है। मेरे विचार से स्त्रीत्व वह अनुभूति है जो अंतर मन में सौंदर्य जागृत करती है। स्त्रीत्व हमें आत्मविश्वास देता है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि वह जिस भी क्षेत्र में पदार्पण करता है उसे अपने हाथों से सुंदर बना देता है। लेकिन जितनी आसानी से यह सब मैं बोल रही हूँ, पुरुष प्रधान पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था में कुछ भी इतना आसान नहीं होता। एक संवेदनशील स्त्री को अपने लिए एक अलग दुनिया बसाना पड़ती है। इस दुनिया को हम प्रतिसृष्टि कह सकते हैं। इस प्रतिसृष्टि में उस स्त्री को अपने आप को, अपने स्व को ढूंढने की अनिवार्यता होती है। और जब कोई स्त्री रचना धर्मी होती है या सृजनशील होती है तब वह मूलाधार की तरह अपनी स्मृतियों का, सपनों का, अनुभवों का उपयोग करती है। उसके लिए एक नई दुनिया कविता के रूप में, साहित्य के रूप में उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण स्त्री की कविता में स्त्रीत्व अनिवार्य रूप से मौजूद होता है। किसी भी कवयित्री की कविता स्त्री निरपेक्ष हो ही नहीं सकती। हम किसी भी युग का इतिहास देखें, खासतौर से कविता का इतिहास, तो स्त्री की कविता में उसकी यातनाएं, उसकी वेदना, उसके दुख, इन सब की कहानी तो होती ही है। लेकिन इस विषय के अलावा भी कोई कविता हो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उसके स्वयं के विशिष्ट अनुभव उनमें व्यक्त होते हैं, परिलक्षित होते हैं। जब हम पिछले 20 वर्षों पर नजर डालते हैं तो उसमें कवियत्रियों के तीन हिस्से दिखाई देते हैं। एक है वरिष्ठ कवियत्री, मेरा आशय आयु से है, दूसरी है मध्यम आयु की और तीसरी है युवा। किंतु ये तीनों आयु वर्ग की कवियत्रियां स्त्रीत्व से अपने आप को अलग नहीं कर पाती हैं। ये तीनों आयु वर्ग की कवियत्रियां स्त्रीत्व से अपने आप को अलग नहीं कर पाती हैं। कम से कम मेरे पढ़ने में तो ऐसी कविताएं नहीं आई हैं जिनमें बहुलता से अन्य विषयों को लिया गया है। मैं यहाँ पर मुख्य रूप से कवियत्रियों का ही उल्लेख करना चाहूंगी क्योंकि कवियों द्वारा इस विषय को लेकर या स्त्रियों को लेकर नगण्य प्राय लिखा गया है। तो पुरुषों द्वारा नहीं लिखे जाने की एक वजह यह भी हो सकती है कि समाज में अभी अभी तक इतना खुलापन नहीं था और इसी वजह से कवियों ने सामान्यतया पौराणिक या ऐतिहासिक स्त्रियों पर तो लिखा किंतु स्त्रीत्व पर नहीं। बहरहाल इन 20 वर्षों में कविताओं में स्त्रीत्व से संबंधित ऐसे विषय भी आए हैं जिनके बारे में पहले बोलना तक ठीक नहीं समझा जाता था। मुझे याद है कि जब मेरा मासिक धर्म शुरू हुआ था तो उसके बारे में बहुत दबे छुपे ढंग से धीमी आवाज में माँ से या बड़ी बहनों से मैं बात करती थी। यह लगभग 50-55 वर्ष पुरानी बात मैं बता रही हूँ और इसी वजह से ऐसे विषय कवियत्रियों की कविताओं में भी उस समय दिखाई ही नहीं देते थे। कविताएं ज्यादातर कोमल तरल भाव लिए रहती थी। लेकिन यदि 21वीं शताब्दी की कवियत्रियों में अनामिका कात्यायनी से लेकर आज की कवियत्री विशाखा मुंडले, अर्चना वैद्य करंदीकर, स्वरांगी साने की हम बात करें तो बहुत सारे विषय उन कविताओं में अंतर्भूत दिखाई देते हैं। और मुझे लगता है कि विषयों का यह बदलाव ही स्त्रीत्व की परिभाषा भी बदलता है। यह बदलाव जब से शुरू हुआ उसी काल की वरिष्ठ कवियत्री अनामिका की एक कविता मैं यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूंगी। उसकी सफेद फ्रॉक और जांघिए पर किस परिमाण काट दिए हैं कत्थई गुलाब रात भर में। उसकी सफेद फ्रॉक और जांघिए पर किस परिमाण काट दिए हैं कत्थई गुलाब रात भर में। और कहानी के वे साधुओं ने क्यों गुत्थम गुत्थी मचा रहे हैं उसके पेट में। अनहद सी बज रही है लड़की कांपती हुई, अनहद सी बज रही है लड़की कांपती हुई, लगातार झंकृत है उसकी जंघाओं में एक तारे, चक्रों सी नाच रही है वह एक मही सी मुद्रा में, गोद में छुपाए हुए सृष्टि के प्रथम सूर्य सा लाल लाल तकिया, गोद में छुपाए हुए सृष्टि के प्रथम सूर्य सा लाल लाल तकिया। कहीं पर भी मासिक धर्म या रक्तस्राव का उल्लेख किए बिना कवयित्री ने बहुत ही सलीके से अपनी बात इस कविता में कही है। मैंने जैसा कि पहले कहा, स्त्री की कविता में यातना और वेदना तो दिखाई देती ही है। मैं इसी संदर्भ में स्वरांगी साने की कविता को प्रस्तुत करना चाहूंगी। इस कविता में वह स्त्री की वेदना को एक रोजमर्रा की जिंदगी के साधारण बिंब के माध्यम से
लेकिन उतने ही सशक्त तरीके से प्रस्तुत कर रही है। बहुत सारा प्याज काटने बैठ जाती थी माँ, बहुत सारा प्याज काटने बैठ जाती थी माँ, कहती थी मसाला भूनना है। दीदी को भी बड़ा प्यारा लगता था प्याज काटना, लेकिन तब वह समझ नहीं पाती थी कि इतना अच्छा क्या है प्याज काटने में। आज पूछती है उसकी बेटी, क्या हुआ? आज पूछती है उसकी बेटी, क्या हुआ? और वह कह देती है, कुछ नहीं बेटा, प्याज काट रही हूँ, प्याज काट रही हूँ। मैं वैसे बहुत लंबा लंबा लिखती हूँ, लेकिन ये दो छोटी कविताएं छाट कर लाई हूँ कि लड़की जात हो ठठाकर मत हंसो, लड़की जात हो ठठाकर मत हंसो, लड़की जात हो पैर फैलाकर मत बैठो, लड़की जात हो तंग कर मत चलो, लड़की जात हो सबके बीच बाल मत ऊंचो, लड़की जात हो गर्दन नीची रखो, लड़की जात हो नजरें झुकाए रखो, लड़की जात हो थोड़ा सा करो ज्यादातर मत करो। देह कन्या से बूढ़ी हो गई, देह कन्या से बूढ़ी हो गई, पर दिमाग से अब तक नहीं गई है लड़की जात, लड़की जात। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।